अब यहां पर हम छोटा छोटा दो टुकड़े वायर ले लेंगे, दो टुकड़े वायर इसे हम कट कर लेते हैं और इसे हम छील लेते हैं। और आरसीबी कैसे काम करती है इसे हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आरसीबी को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो है इसे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है टू और एन, तो यहाँ पर हम टू और एन जो लिखा हुआ है और यहाँ पर वन और एन लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो है इन दे देते हैं और यहाँ से आउट चला जाएगा हमारे घर में। तो इसको हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे जो है हम इन दे दिए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक में हम न्यूट्रल को दे दिए हैं और फेस जो है टू लाइन में दे दिए। यहाँ पर एक दो छोटा टुकड़ा और हम ले लेंगे और इसे हम छील लेते हैं। एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। तो फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं न्यूटन ब्लू को हम न्यूटन बना लिए हैं और फेस जो है येलो को बना लिए हैं। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सीधा इस तरह। तो ये जो हमारा वायर है ये चला जाएगा घर में, यानी हमारे जो घर के अंदर सप्लाई जाएगी, आउट उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा ये जो मेन सप्लाई है ये वाला, ये मेन सप्लाई है, इसे हम कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई में और ये चला जाएगा घर के अंदर। मेन हमारा बोर्ड है, इसमें हम सप्लाई को देंगे यहां से। तो यहाँ पर हम सप्लाई को, यहाँ पर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। अब यहाँ से हम एमसीबी को ऑन करेंगे। जैसे एमसीबी ऑन करेंगे, जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सप्लाई आ गई है और न्यूटन में सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ से हमारी एमसीबी जो है, हमारी एमसीबी यहाँ पर ऑन है, आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको नीचे गिरा देंगे तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई आ रही है। अब इसे हम दोनों को एक में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद देखते हैं हमारी जो है आरसीसीबी काम कर रही है कि नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सप्लाई नहीं आ रही है। अब यहाँ से वापस हम ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है। जैसे हम इस ट्रिपर को यहाँ पर ऐसे दबाएंगे तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा।